भगवती सूत्र में कहा गया है, धम्मत्थि काए इणम भन्ते किं गरुए लहुए, गरुए लहुए, अगरुए लहुए, गोयमा णो गरुए णो लहुए, णो गरुए लहुए, अगरुए लहुए। जैन दर्शन में छह द्रव्यों का निरूपण हुआ है जो काफी प्रसिद्ध हैं। 25 बोल का 20वां बोल कंठस्थ हो और अर्थ हृदयंगम किया हुआ हो तो बहुत स्पष्ट हैं, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय काल पुद्गलास्तिकाय जीवास्तिकाय, और 20वें बोल में तो इनका थोड़ा थोड़ा विस्तार से भी वर्णन किया गया है। यहाँ भगवती सूत्र के प्रथम शतक के 9वें उद्देशक में एक प्रसंग बताया गया है। चार शब्द काम में लिए गए हैं, गरुए लहुए, गरुए लहुए, अगरुए लहुए। हमारी दुनिया में पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो भार युक्त होते हैं जिनमें वेट भार होता है, और दूसरे वे पदार्थ जो भारहीन होते हैं जिनमें कोई वजन वेट नहीं होता है। ये दो प्रकार के पदार्थ हमारी दुनिया में होते हैं। प्रश्न यह किया गया कि भन्ते धर्मास्तिकाय, जो छह द्रव्यों में पहला है धर्मास्तिकाय, वह गुरु है या लघु है, या गुरु लघु है या अगुरु लघु है। गुरु यानी भारी, लघु यानी हल्का, गुरु लघु भारी भी हल्का भी, और अगुरु लघु यानी न हल्का और न भारी। इन चार विकल्पों में से धर्मास्तिकाय क्या होता है, तो उत्तर दिया गया गौतम के नाम कि धर्मास्तिकाय न तो गुरु होता है, न लघु होता है, न गुरु लघु होता है, किंतु अगुरु लघु होता है। वो न भारी है न हल्का, यानी भारहीन है। हल्का है तो भी थोड़ा तो भार होगा ना, बहुत ज़्यादा भार न हो तो भी, कि हल्का है तो कुछ तो भार होगा ही, यह मानकर चले। परंतु धर्मास्तिकाय ऐसा द्रव्य है जिसमें कोई भी भार नहीं है। एक बात बहुत स्पष्टतया समझ में आ सकती है कि जो अमूर्त है उसमें भार होगा भी कैसे, जिसका कोई रूप नहीं, स्पर्श नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जिसमें ये कुछ भी नहीं है उसमें भार होगा भी कैसे। भार उसी पदार्थ में होगा जिसमें स्पर्श हो, कम से कम स्पर्श हो या रस हो, गंध ये हो तो भार होगा, होगा तो इन्हीं में होगा जिसमें स्पर्श रस ये चीजें, यानी स्पर्श हो। और एक पुद्गलास्तिकाय ही ऐसा द्रव्य है जिसमें स्पर्श होता है, रस होता है, गंध होता है, वर्ण होता है। बाकी के ये जो द्रव्य हैं, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय इधर ये जीवास्तिकाय और काल को भी ले लें, इनमें कोई स्पर्श नहीं होता, रस नहीं होता, गंध नहीं, वर्ण नहीं, ये अमूर्त हैं, अरूपी हैं। इसलिए धर्मास्तिकाय के लिए जो उत्तर है कि न लघु है न गुरु, गुरु है न लघु, न गुरु लघु, किंतु अगुरु लघु है, अमूर्त है,
तो कोई भार नहीं हो सकता। और सर्वथा भारी ही है, जिसमें हल्कापन है ही नहीं, ऐसा भी पदार्थ नहीं होता निश्चय में। और एकदम हल्का ही है ऐसा भी पदार्थ नहीं, हल्का और भारी सापेक्ष है। ये मेरे हाथ में किताब है, मैं इसको भारी कह दूं कि थोड़ी भारी है, इस घड़ी को ये हल्की, किताब की अपेक्षा हल्की है, कुछ भार तो इसमें भी है। तो ये भारीपन और हल्कापन सापेक्ष रूप में तो संभव है, उसकी अपेक्षा ये हल्का है और उसकी अपेक्षा ये भारी है। तो यह एक सापेक्ष चीज है, भारी होना हल्का होना। तो यूं सामान्यतया हर चीज, जो ये चीजें हैं हमारे काम में आने वाली, वो भारी भी हैं तो किसी से हल्की भी होती हैं। तो धर्मास्तिकाय न गुरु है यानी न भारी है, न लघु है यानी न हल्का है, न गुरु लघु दोनों है, केवल अगुरु लघु है। और इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय के लिए भी यही बात है, आकाशास्तिकाय के लिए यही बात है, जीवास्तिकाय के लिए यही बात है कि जीव है तो केवल शुद्ध जीव, शरीर रहित जीव है, उसमें भी कोई भार नहीं, वो भी अगुरु लघु है। जीवास्तिकाय में तो सभी जीवों का ग्रहण हो सकता है। और अब पुद्गलास्तिकाय के लिए भी प्रश्न किया गया है कि वे गुरु है कि लघु है क्या है, तो उत्तर दिया गया, गोय माँ णो गरु ए णो लहु ए, गरु ये लहु ए भी अगरु ये लहु ए भी, कि पुद्गलास्तिकाय है वह भी गुरु नहीं है लघु नहीं है, किंतु वो दो प्रकार का है, गुरु लघु भी होता है और अगुरु लघु भी होता है। जैसा कि मैंने कहा कि एकांत गुरु भारी कोई चीज नहीं, एकांत हल्का कोई नहीं, गुरु लघु तो सापेक्ष ही हो सकते हैं। इसलिए पुद्गलास्तिकाय निश्चयतः गुरु भी नहीं लघु भी नहीं, वो तो सापेक्ष बात है। तो क्या है गुरु लघु, उसमें गुरुत्व है, भारीपन है तो हल्कापन भी होता है। कुछ पुद्गल, कुछ ऐसे पुद्गल होते हैं कि जिनमें न भारीपन होता है और न लघुत्व होता है। अब परमाणु है, परमाणु अगुरु लघु, न भारी है न हल्का है। अब ये चीजें पुद्गल हैं, ये गुरु लघु भारी भी हैं और हल्की भी हैं। इसलिए धर्मास्तिकाय आदि ये कुल पांचों हैं, वो तो अगुरु लघु हैं, और पुद्गलास्तिकाय है वह गुरु लघु भी होता है और अगुरु लघु भी होता है। और समय के लिए भी यही बात कि समया, समय क्या होते हैं कि समय भी अगुरु लघु होते हैं। और यूँ अनेक चीज़ों के बारे में, कर्म क्या हैं, लगे हुए कर्म गुरु हैं लघु हैं क्या हैं, तो कहा गया कि कर्म भी अगुरु लघु हैं, कर्म न गुरु है न लघु है न गुरु लघु हैं, किंतु अगुरु लघु। अगुरु लघु क्यों हैं, चतुष्पर्शी चार स्पर्श वाली ये पुद्गल हैं वो अगुरु लघु हैं, आठों स्पर्श हो जाए तो गुरु लघु की बात होती है आश्रय। तो यह एक प्रसंग भगवती सूत्र में आया है कि हमारी सृष्टि में ये इतने पदार्थ हैं, क्योंकि लोक में ये छह द्रव्य हैं, तो इनके बारे में एक जिज्ञासा प्रश्न किया गया कि ये भारी हैं हल्के क्या कैसे हैं। तो बहुत एक स्पष्ट उत्तर दे दिया गया कि पुद्गलास्तिकाय तो दोनों है, कोई गुरु लघु होते हैं कोई अगुरु लघु होते हैं, बाकी पांचों जो द्रव्य हैं वे अगुरु लघु होते हैं। अब धर्मास्तिकाय ऐसा तत्व है, द्रव्य है, संपूर्ण लोक में फैला हुआ है, लोकाकाश के हर प्रदेश पर
धर्मास्तिकाय का भी प्रदेश है, और यह धर्मास्तिकाय हमारे लिए बड़ा सहायक है। हम जो गति क्रिया करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हाथ भी हिलाते हैं, धर्मास्तिकाय का सहयोग न हो तो हाथ भी नहीं हिल सकता। तो गति क्रिया स्पंद चलन जितना भी है, गति में, चलन में, हलन में, वो धर्मास्तिकाय का सहयोग हमें मिलता है। बड़ा उदासीन भाव उसका है कि सहयोग लो तो मैं तैयार हूँ। कि जैसे मछली को पानी चाहिए, पानी में मछली गति कर सकती है, तो हमें भी धर्मास्तिकाय रूपी मानव जल मिलता है तभी हम गति कर रहे हैं। तो यह धर्मास्तिकाय पूरे लोक में फैला हुआ है, जीव और पुद्गल की गति क्रिया में सहायक है। तो प्रश्न है कि तो सारे सब चलते ही चलते रहेंगे क्या, के स्थिरता चाहिए, तो कि स्थिरता के लिए अधर्मास्तिकाय का सहयोग लेना होगा। राहगीर जाता है, धूप है, गर्मी है, वृक्ष आ गया। हमारे संत लोग भी कई बार मैंने देखता हूँ कि रास्ते में पानी पीना भी छाया आ गई, अब यहाँ थोड़ा यहाँ बैठ के पानी का काम कर ले। कि छाया में पथिक है, राहगीर है, तो छाया मिल जाए तो वो आराम से ठहर जाता है, क्योंकि छाया का सहयोग मिल रहा है, यहाँ ठहर जाए, जो कुछ काम करना वो पानी पीना काम कर लें। इसी प्रकार हमें अधर्मास्तिकाय का सहयोग मिलता है तब हम कहीं ठहरते हैं, गति निरोध करते हैं, स्थिर होते हैं। ये अधर्मास्तिकाय का हमें सहयोग मिलता है। आकाशास्तिकाय है कि हमें रहना है तो स्थान चाहिए, स्थान देने वाला आकाशास्तिकाय, आकाश में हमें स्थान मिलता है। ये हम जो बैठे हैं, हम सब आकाश में ही बैठे, ये मतलब नहीं कि अधर में रहो तो आकाश में, हम सब आकाश में ही हैं, यह धरती भी आकाश में ही है। तो आकाश का बड़ा उपकार है, गुण है, अवगाहन देना, स्थान देना, हमें स्थान मिलता है। और काल समय के रूप में वर्तना गुण वाला है। पुद्गलास्तिकाय है, वे तो हमारे खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, सांस लेने में, बोलने में, सोचने में, कितने कितने काम आते हैं पुद्गल। तो पुद्गलों का भी बड़ा हम पर उपकार है, हमारे काम आते हैं, हमारा जीवन चल रहा है, उसमें पुद्गलों का भी बड़ा सहयोग है। और जीवास्तिकाय जीव हैं, अनंत अनंत जीव संसार में हैं। तो पंचों का आ गया, धर्मास्तिकाय परोपकारी है, अधर्मास्तिकाय परोपकारी है, आकाशास्तिकाय परोपकारी है, यह पुद्गलास्तिकाय भी परोप हमारी काम आता है। का जीवास्तिकाय क्या परोपकार, तो जीवास्तिकाय परस्पर परोपकार करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। प्राणी प्राणी एक दूसरे का सहयोग, प्राणी प्राणी से मिल जाता है, एक आदमी से दूसरे आदमी को सहयोग मिल जाता है। जानवर हैं वो भी मनुष्यों के कितने काम आते हैं, घोड़ा काम आ जाता है, हाथी काम आता है, गाय कितने काम आती है, भैंस काम आती है, बकरी काम आ, कितने कितने प्राणी हैं वो आदमी के काम आते हैं। तो वो भी जीव हैं, आदमियों का, उन पशुओं आदि को आदमी सहयोग देते हैं, पशु को चारा देना, खाना खिलाना, तो आदमी उनका सहयोग करते हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था करते, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। कितनी गौशालाएँ हैं तो गायों को कितनी सुरक्षा सेवा मनुष्य देते हैं, कितने प्राणियों को सेवा, तो ये मनुष्य पशुओं की भी सेवा करते हैं। तो आचार्य उमा स्वाति ने कहा, परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव धर्मास्तिकाय पर उपकार नहीं करते, अधर्मास्तिकाय पर नहीं करते, आकाश पर नहीं, परंतु जीव परस्पर उपकार करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, काम आते हैं, मनुष्य मनुष्य का सहयोग करते हैं। परिवार में एक दूसरे का सहयोग होता है, परिवार की व्यवस्था ठीक चलती है कि एक दूसरे का सहयोग मिलता है। परिवार में कोई रसोई बनाता है,
परिवार में कोई सफाई का काम कर लेता है, कोई अर्थ अर्जन करके कमाई करके पैसा लाता है, तो परस्पर के सहयोग से काम चलता। हमारी साधु संस्था है, साधु समुदाय है, तो कितना परस्पर सहयोग से काम चलता है। कोई साधु गोचरी लेके आ जाता है, वो आहार कईयों के काम आता है। कोई साधु पानी लेके आता है, वो पानी कितनों के काम आता है। कोई कपड़ा ले आता है, यानी अलग अलग कार्य करने से अनेकों को सहयोग मिलता है। तो ये छह द्रव्य जो भगवती सूत्र में भी वर्णित हुए हैं, वो छह द्रव्य ही एक तरह से हमारी सृष्टि है, हमारी दुनिया है, यह लोक है। छहों द्रव्य हैं तो लोक है। केवल आकाश शास्त्र का केवल आकाश है, वो वहां अलोक हो जाता है। तो इन छह द्रव्यों के बारे में समझे तो प्रश्न किए गए हैं और जो गौतम के नाम उत्तर दिए गए हैं, वो हमें एक यह जानकारी यानी बात बताने वाले हैं कि ये छह द्रव्य किस प्रकार के हैं, हल्के हैं कि भारी हैं, क्या हैं। वो जानकारी हमें भगवती सूत्र के इस छोटे से प्रकरण से प्राप्त हो जाती है। और समय के बारे में, समया इन छो में लास्ट में प्रश्न किया गया है कि समयानंग बंथे किंग गरुया, सबसे लास्ट में इन छो में अंतिम नंबर काल को दिया गया है, तो समया शब्द आया है। तो प्रश्न होता है कि ये काल को सबसे लास्ट में नंबर क्यों दिया है भगवती में। जो भी कारण हो, एक कारण यह है कि ये जो पहले वाले पांच हैं, इन सब के साथ में अथिकाये जुड़ा हुआ है, पर समया में अथिकाये नहीं जुड़ा, केवल समया दिया। तो मानो कि अथिकाये को पहले ले लिया गया, जो अस्थिकाय नहीं है उसको अंत में ले लिया गया। इसलिए एक प्रसिद्ध शब्द भी हो सकता है पंचास्तिकाय कि अस्थिकाय पांच हैं, काल है, समय है, वह अस्थिकाय नहीं है। अस्थिकाय प्रदेशों का समूह, एक साथ प्रदेश धर्मास्थिकाय है, एक साथ असंख्य प्रदेश उसके फैले हुए हैं। इसी प्रकार अधर्मास्थिकाय के आकाश के पुद्गल के भी होते हैं और जीव के भी, पर काल के यूं कोई फैले हुए नहीं है कि यह काल यहाँ काल, ऐसे फैले हुए नहीं हैं। वो तो वर्तमान है, बस वर्तमान में है फिर खत्म, एक तरह से बीतता रहता है। तो काल अस्थिकाय नहीं, एक साथ असंख्य समय नहीं, जो गया वो गया, आया नहीं आया, वर्तमान में है वो समय है। इसलिए ये समय थोड़ा डिफरेंट है बाकी पांच से, मानो कि हो सकता है इसलिए इसको लास्ट में ले लिया गया, बीच में नहीं लिया गया। तो समय एक ऐसा तत्व है, हम काम कार्य करते हैं तो समय है तब कार्य करते हैं। कोई कहे कि समय नहीं है तो काम, वो मालिक ने नौकर से कहा कि आज 5-7 काम करने हैं, 5-7 काम आ गए वो काम करने हैं। कह मालिक बताओ समय दो, कितनी देर में काम कर दूँ। कह समय तो नहीं दूंगा। कह समय नहीं दोगे तो काम करूँगा कैसे। तो कार्य करना है तो समय भी चाहिए, स्थान भी चाहिए। आप लोग बिजनेस करते हैं, ऑफिस, तो ऑफिस का स्थान है तो व्यवस्थित काम हो सकता है, कि धंधा तो चलेगा, ऑफिस नहीं मिलेगी तो काम में दिक्कत हो सकती है। तो कार्य करने के लिए कार्यालय चाहिए, ऑफिस चाहिए, स्थान चाहिए। तो स्थान भी चाहिए और समय भी चाहिए। स्थान और समय दोनों मिलते हैं तो फिर काम, कार्य करने वाला आदमी अच्छा काम कर सकता है। तो समय बहुत ही जरूरी द्रव्य है, तो वो होता है तभी हमारा कार्य हो सकता है, समय के बिना कार्य नहीं हो सकता। तो महत्वपूर्ण बात है जो भगवती सूत्र में समया शब्द आया है कि हम समय को व्यर्थ जाने से बचाएं। संस्कृत में कहा गया मा वृथा समया कृथः, समय को व्यर्थ मत गमाओ, समय को जाने मत दो, समय का अच्छा उपयोग करो। तो
यह छह द्रव्यों में एक समय भी है, हम समय का सदुपयोग करें, अच्छा उपयोग करें। और यह भगवती सूत्र में तो छह द्रव्यों की एक स्वरूप की स्थिति कि वो कैसे गुरु लघु अगु लघु कैसे हैं, वो जानकारी यहाँ भगवती सूत्र के इस पहले सत्र के नौवें उद्देश्य के इस आलापक या प्रकरण में दी गई है, जो एक दार्शनिक दृष्टि से और पदार्थ के स्वरूप को जानने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है।